दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मोटो सी प्लस का अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर लेटेस्ट एंड अपकमिंग स्मार्टफोन वीडियोज, अनबॉक्सिंग वीडियोज, स्पेक्स कंपेरिजन वीडियोज लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का मोटो सी प्लस का बॉक्स। और हम इसके बैक साइड की बात करते हैं, इसमें दिया गया है मोटो सी प्लस का हाईलाइटिंग फीचर, जो कि है 4000 mAh की बैटरी, 5 इंच की HD डिस्प्ले, क्वाड कोर प्रोसेसर और 8 MP प्लस 2 MP का कैमरा। तो दोस्तों चलिए इसे इसको करते हैं अनबॉक्स। और दोस्तों बॉक्स को ओपन करने के बाद मिल जाता है हम लोग को इस तरह से फोन। फ़ोन को फिलहाल के लिए करते हैं साइड में और चलते हैं इसके बॉक्स कंटेंट की तरफ। दोस्तों बॉक्स कंटेंट की बात करते हैं, हम लोग को मिलता है एयरफोन, जो कि बेसिक सा एयरफोन है, जो कि मोटोला के मिड रेंज फ़ोन में आपको मिल जाते हैं। अगर हम लोग इसके क्वालिटी की बात करें तो बेसिक सा क्वालिटी है। और इसको रखते हैं साइड में। और ये रहा हम लोग का USB केबल और ये चार्जर। और ये रहा मोटो सी प्लस का कुछ पेपर वर्क। और ये रहा हम लोग का बैटरी। तो दोस्तों इन सभी को करते हैं साइड में और चलते हैं हम लोग बैटरी की तरफ। दोस्तों बैटरी की बात करते हैं, इसमें 4000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि बड़ी बैटरी है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग फ़ोन की तरफ। फ़ोन की स्क्रीन की बात करें तो इसमें भी वही हाईलाइटेड फीचर दिए गए हैं, जो कि हम लोग को बॉक्स में देखने को मिला था। और इसके बैक पैनल की बात करें तो प्लास्टिक का बैक पैनल दिया गया है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं बैटरी को इंसर्ट। इसके बैक पैनल को निकालने के बाद हम लोग को मिल जाता है कुछ इस तरह का इंटरफेस। यहाँ पर आप 2 SIM को इंसर्ट कर सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग करते हैं बैटरी को इंसर्ट। और चलिए हम लोग बैटरी के रैपर को निकाल देते हैं और करते हैं बैटरी को इंसर्ट। बैटरी को इंसर्ट करने के बाद हम लोग करते हैं इस स्मार्टफोन को बूट। और बूट करने के बाद हम लोग को मिल जाता है कुछ इस तरह का मोटोरोला का इंटरफेस। और इसके स्क्रीन रैपर को हम निकाल देते हैं और जल्दी से करते हैं हम लोग फ़ोन को सेटअप और देखते हैं इसके होम पे कैसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये कर लिया हम लोगों ने फ़ोन को सेटअप और होम बटन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को हम लोग मिल जाता है, जैसे कि हम लोग को मोटो G5 और G5 प्लस में देखने को मिला था। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं करता हूँ इसको यूज और बाद में करेंगे इसकी फुल रिव्यू। और इसमें क्विक चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, तो इसको मोटो G4 प्लस के टर्बो पावर से भी कंपेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है दोस्तों। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो पहले किसी रोक हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।